अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे और मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मेरी आज तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो 3-4 दिन से मेरी वीडियो से नहीं आ रही थी क्योंकि मैं जब फीवर बहुत ज़्यादा हुआ था और तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, तो इस वजह से मुझसे ना वीडियोज़ नहीं बन पा रही थी। तो आज मेरी काफ़ी अच्छी तबीयत हो गई है, शाम का टाइम हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी बहुत वीडियोज़ शूट कर लेती हूँ। तो कल हमारे बहुत बारिश हुई थी, काफ़ी खासी बारिश हुई थी, उस वजह से ना थोड़ा सा मौसम ना थोड़ा तब्दील हो गया था। आज अच्छी खासी धूप भी निकली थी, तो अभी बाहर तो ठंड हो गई है फिर दोबारा से, तो इस वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। तो आज काफ़ी बेहतर मेरी तबीयत लग रही है और आवाज़ भी निकल रही है, पहले 2-3 दिन से मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इतना गला भी ख़राब हो चुका था, तो अब मेरी आवाज़ काफ़ी ठीक है। पहले आवाज़ भी अच्छी खासी नहीं निकल पा रही थी, तो इस वजह से मैंने फिर वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाई। मैंने कहा जब मेरी आवाज़ ही नहीं सही से निकल रही तो वीडियोस क्या मैं बनाऊँगा, कुछ नहीं वीडियोस बन पा रही थी, तो इस वजह से। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकता है। जी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा दूँ बाहर का व्यू कि मौसम बहुत ठंडा है और वैसे अंधेरा तो हो गया शाम का टाइम में, तो कोई बात नहीं, मैं जितना भी थोड़ा बहुत हो गया तो मैं आपको दिखाऊंगी। चलो हम मैं चलती हूँ बाहर का व्यू आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, चेक करें, कल हमारे यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी खासी हुई थी, अभी भी खुशक नहीं हुआ अच्छे से, तो बदल काफ़ी गहरा बना हुआ है, तो चेक करें। बच्चे देखो कितनी सर्दी में बाहर है, हवा भी काफ़ी ठंडी ठंडी चल रही है। जी फ्रेंड्स, अब करती हूँ मैं दरवाज़ा बंद। जी फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया बाहर का व्यू और कल बारिश काफ़ी अच्छी खासी हुई ना, तो इस वजह से एक तो सर्दी है तो बाहर का अभी खुशक नहीं हुआ अच्छे से क्योंकि धूप तो निकलती नहीं, आज ही धूप निकली थी तो थोड़ा सा खुशक हो गया है, तो इस वजह से। तो हम वैसे भी बहुत जल्दी ये मकान चेंज करने वाले हैं, तो हम ढूंढें थोड़ा सा अच्छा सा मकान हमें मिल जाए जहाँ धूप वगैरह भी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, तो इस वजह से हम यहाँ ये वाला मकान बहुत जल्द शिफ्ट करने वाले हैं। फिलहाल एक मंथ रुकेंगे, कल को जनवरी हो गया ना परसों को, तो फिर फरवरी में हम घर चेंज करेंगे, अभी फ़िलहाल एक मंथ पड़ा है, तो फिर इसी मंथ हम फिर मकान भी ढूंढ लेंगे। चलो देखते हैं, यहाँ पे तो गैस भी बिल्कुल नहीं आती, तो थोड़ी बहुत आती है वो भी ना होने के बराबर होती है, जो रोटी वगैरह वो तो सिलेंडर में बनानी पड़ती है, तो चाय वगैरह बन जाती है, तो अभी तक गैस नहीं आई। तो चलती हूँ मैं कमरे में क्योंकि बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो हम चलते हैं कमरे में। दरवाज़ा कर देती हूँ बंद, तो दरवाज़ा बंद करने से ये होता है कि ठंडी ठंडी हवा नहीं आती, तो कमरा बंद गर्म ही रहता है। जब चूल्हा जब गैस आ जाती है तो फिर हम थोड़ा बहुत चूल्हा चला लेते हैं कि हमारा कमरा नीगा ही रहे, वैसे तो सारा दिन ठंडा ही रहता है। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो यही एंड कर देती हूँ क्योंकि आज ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पा रही, तो टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो मैंने सोचा कि वो ना फिर मैं कल से प्रॉपर तरह से वीडियोस बनाया करूँगी, तो अपनी डेली की रूटीन भी शेयर किया करूँगी। आजकल सर्दी आ गई है तो दिल ही नहीं करता उठने को, तो इस वजह से, तो दरमियान से बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से तो क्या करें। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर 10 दिन से व्लॉग प्रॉपर आया करेंगे, मैं अपनी वीडियो भी शेयर किया करूँगी। सर्दियों में कहीं घूमना फिरना भी नहीं होता, तो इस वजह से कहीं जा भी नहीं पा रही, तो कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे 10 दिन 10 व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिल सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।